The highly anticipated India versus Pakistan encounter is going to happen tomorrow on the 14th of October, and the fans have already started to line up outside the stadium. Hum yahan pe in fans se baat karenge, janenge ki kis tarah ka sense hai, kya excitement hai, kis tarah se log jo hai wo yahan pe India ko support karne ke liye aaye hain. Hamare sath yahan pe jo hai wo bahut sare fans hain, aur ye ek dekhiye, ek bahut hi special art bana ke, tattoo bana ke apne body pe ghoom rahe hain. Aapka naam kya hai? पिंटू बेहरा, मैं ओडिशा से आया हूँ. आप उड़ीसा से आए हैं. उड़ीसा से आप ये जो टैटू बनवा के आए हैं, आप लग रहा है कि विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं. बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े. ये क्या करवाए, क्या है ये टैटूज के बारे में बताइए अपना थोड़ा. अभी इंडिया में तो हर कोई, जहाँ भी देखोगे तो इंडिया क्रिकेट के फैन पूरा नजर आएंगे. तो सब पहले कलर मार्केट जाते थे, तब भी मुझे आइडिया आया कि मैं कुछ अलग करूँगा, तो मैंने पूरा बॉडी में टैटू कराना है. कितने टैटूज हैं आपके बॉडी में, और ये आप एक बार दिखाइए, पीछे भी है आपके, ये देखिए. हैव अ लुक एट दिस, विराट कोहली का जर्सी नंबर, एंड जो जो उन्होंने अवार्ड जीते हैं वो ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशनड है. ऑल द लोगोज ऑफ एवरी टूर्नामेंट दैट ही हैज प्लेड इन, द नेम, द नंबर, द जर्सी नंबर. वी ऑल्सो हैव अ सेट ऑफ अदर विराट कोहली फैंस हियर हु आर ड्रेस्ड इन द इंडियन जर्सी वेयरिंग विराट कोहलीज विराट कोहलीज नंबर. आप व्हाट इज योर नेम? महाराष्ट्र, जयेश जोशी, महाराष्ट्र फ्रॉम नांदेड. आप महाराष्ट्र से आए? ऑल राइट. ये सब जो आर्ट बना के लेके आए, ये क्या है, इसके बारे में बताइए. इसके बारे में मतलब वी नो दैट प्रेजेंस ऑफ विराट कोहली, राइट, स्पेशली अगेंस्ट ऑफ पाकिस्तान, ही इज प्लेड लाइक ए किंग, ही नो द सिचुएशन वेरी वेल. इवन दो वी सी दैट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मैच, India is 0 out of 2 down. In that situation, Virat and KL Rahul build that partnership and win the game against Australia. And all, everyone knows, Abu aa rahe hai. Aa rahe hai. This is the banter that has already begun from the Indian fans. I'm sure there are all other fans as well who want to give their inputs and talk about what is going to happen in tomorrow's match. And we'll try and get a sense of how these people are here to support the Indian team. आप दोनों का नाम क्या है? सुलेमान और ताबिश. ताबिश. अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? हम यूपी बिजनौर से आए. आपका देखा मैंने बैग लेके, आप अभी अभी जो है वो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं. आप अभी आज ही पहुँच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज ही पहुँचे हैं. आप लोगों के पास टिकट्स हैं? जी, टिकट्स. ऑल राइट, वेरी नाइस. और इंडिया के चांसेस के बारे में, कल के मैच के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है? दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी मैच, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडियन विन. And I am a proud representative of the 12th Man Army and upcoming supporters group. Look at that jersey. Look at the jersey. This is Team India's 12th Man Army and. All right. आप also कल जो है वो which all players do you expect to do well, and also because it's not going to be an easy encounter, yeah. Because Pakistan भी जो है वो काफी अच्छा खेल रही है, और उन्होंने जो है वो काफी जो है वो दोनों matches जो अपने जीते हैं बहुत convincingly जीते हैं. यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है कि क्लोज मैच होगा या वन साइडेड मैच होगा, क्या होगा? डेफिनेटली मैच तो क्लोज होगा. वी ऑल वी नोज दैट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच तो क्लोज होगा. आपने पिछली बार भी देखा था, जब विकेट्स गिरे थे तब 8 बॉल लास्ट के ओवर में, 8 बॉल 28 रन्स, एंड विराट कोहली नो द प्रेशर सिचुएशन, राइट? दैट्स व्हाई वी आर होप्स फ्रॉम विराट कोहली. सिर्फ विराट कोहली या बाकी और प्लेयर्स के बारे में? कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि दे आर गोइंग टू डू वेल इन दिस मैच? शुभमन गिल खेलेगा कल, नहीं खेलेगा? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, बीच में रोहित शर्मा इज वेल फॉर्म, ही इज 131 रन्स अगेंस्ट अफगानिस्तान, राइट? He really ultimate form, right? We know when he's completely 4 to 5 or C played, then Rohit Sharma is completely above the rocket, hitman, yeah. Always. So you see the excitement building up just a day before the India-Pakistan encounter is happening, and I hope you guys are excited. So let's do an India chant. With camera person Azam Siddiqui from outside the Narendra Modi Stadium, this is Osama Shah for NDTV.